नमस्कार दोस्तों, अभी हम आए हैं अंजार घूमने के लिए। तो अभी स्मृति वन जो नया बना है उस पर जा रहे हैं बाइक से, तो देखते हैं कैसा है स्मृति वन। वीर बाड़क स्मारक, वीर बाड़क स्मारक देखने जा रहे हैं। अभी नाम अभी पता चला है, पहले स्मृति वन बोला गया था हमें। क्यों सर्कल है, वेल्सपन सर्कल। अभी वेल्सपन सर्कल पे से निकल रहे हैं और बढ़िया बढ़िया नज़ारे आपको दिखाऊंगा। अभी हम आ गए और इधर बहुत ही पब्लिक है, वीर बाड़क स्मारक। हम आ चुके हैं वीर बाड़क स्मारक पे, तो देखते हैं अंदर का क्या व्यू है। बहुत ही बढ़िया सफाई लाइन है, ऊपर है, ऊपर से टिकट लेवानी हो इसमें। अभी तो फ्री में है यहाँ पर, फिर टिकट चालू होगी। सामने नजारा तो बहुत बढ़िया है, वीर बाड़क स्मारक। पर फोटोग्राफी के लिए भी बढ़िया बढ़िया जगह है, तो बहुत बढ़िया फोटोग्राफी भी आप यहाँ पर कर सकते हैं नाइट में। तो और भी बहुत सुंदर नज़ारे दिखते हैं। ये कुछ बढ़िया स्ट्रक्चर बनाए हैं, देखने में बढ़िया लग रहा है। भारत माता की जय। आयो आयो सीन। वीडियो होता रहा स्पेशली रात में आवा। जो कच्छ में भूकंप हुआ था और इसकी इफेक्ट जो अंजार में हुई थी, उसका पूरा मैप नक्शा दिया हुआ है यहाँ पर कि किस तरह से कितना नुकसान हुआ था, आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये उसका रूट है जो वार्षिक गणतंत्र दिवस पर परेड मार्ग था, उसका रूट है ये जो आपको रास्ते जैसा दिख रहा है। यहाँ पर सब लिखा है, सब जगह के नाम लिखे हैं, हिंदी में भी है, गुजराती में भी है, भूकंप का समय भी लिखा है और दिनांक भी। बता नाम है अंदर जासो ना, जे छोकरा मरी गया ना। अभी जो भूकंप में बच्चे मृत्यु हुआ था बच्चों का, उन सभी के नाम के साथ यहाँ पर डिटेलिंग में दिया हुआ है। जो लोग भूकंप में
भूकंपग्रस्त हो गए थे और मृत्यु जिनकी हो गई थी, उन सभी के नाम और फोटो के साथ भी दिए हुए हैं। तो ये उनके याद में एक स्मृति बना है। यहाँ पर पूरे गुजरात का नक्शा भी दिया हुआ है। कितनी तीव्रता का भूकंप था उसका भी मापदंड दिया हुआ है और कहाँ कहाँ बच्चाओं के पास का केंद्र बिंदु था वो भी दिखाया गया है। अभी हम लाइटें शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। मित्र हमारे साथ लिपटे हुए हैं और अंधेरा होने की देर है, तभी बहुत ही बढ़िया लाइटनिंग यहाँ पर शुरू होगी, तो उसका नज़ारा भी आपको दिखाएंगे। अभी धीरे धीरे यहाँ की लाइटिंग शुरू हो रही है और अभी हम दिखाएंगे आपको कितना बढ़िया व्यू दिखा है। बहुत ही बढ़िया लाइटनिंग यहाँ पर लगाई हुई है, सुंदर नजारा दिख रहा है। यहाँ पर जो लोग भूकंप के हतप्रभावित हुए थे उनके नाम और उनकी यादें यहाँ पर जुड़ी हुई है। तो वो 26 जनवरी बहुत ही भयानक दुर्घटना कच्छ के लिए, उसकी यादें यहाँ पर ताज़ा हो रही हैं। अभी हमने भी उसका पूरा अनुभव किया था। हम उस वक्त स्कूल में थे एक गांव में, तो वो याद करके बहुत दुख होता है। अभी आपको वाइड एंगल दिखा रहा हूँ, तो बहुत ही बढ़िया व्यू मिल रहा है हमें यहाँ से।
अभी हम स्मृति वन देखकर फिर वापस जा रहे हैं घर पे।